ग्वालियर की घास मंडी इलाके में बच्चों के पड़ोसी की सीमेंटेड दीवार पर पैर रखते हुए झगड़े में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। घटना में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं। मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज करते हुए विवेचना भी शुरू कर दी। सुबह 10 बजे की घटना होगी तो ये विष्णु महार के सामने रामबाबू रिजर्व और सत्य रिजर्व ये सीवर में सीमेंट लगा रहे थे। उसी समय इनका विष्णु रजक का 3 साल का बच्चा निकला होगा तो विष्णु सचिन रजक ने उसको थोड़ा सा धक्का मार दिया तो इन लोगों ने कहा कि धक्का क्यों मारा। इसी बात पर उन लोग माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। गालियाँ देने से उन दोनों में पार्टियों में झगड़ा हो गया, लाठीबाजी हो गई दोनों पार्टियों में। दोनों पार्टियों के रामबाबू के सिर में चोट आई और उनके विष्णु रजक के परिवार में भी चोट आई है तो दोनों की पुलिस कायम की गई है। ये इन्हीं के दोनों के पार्टी के प्रत्यक्ष लोग हैं। दोनों पार्टी के चाचा तीन लोग थे, इन्हीं को लट चल रहा था और ये क्यों किसी लिए क्रॉसिंग हुआ है।